फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजी टेक्निकल ऐप। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप 3D टैक्स या फिर एक टैक्स का कोई भी बढ़िया से बढ़िया लोगो किस तरीके से बना सकते हैं, और वो भी हिटफुली मैक्स प्रैक्स में। और इसमें लाइटिंग भी है जो बहुत ही अच्छी लगेगी, जैसा कि आपने अभी भी देखा होगा आगे। एंड जो इसके बनाने का तरीका है, वो सारी जो भी सिचुएशन है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँ कि मैं इसके जो ये लोगो है ना, जो इंट्रो है, ये इंट्रो मैं किसी के लिए बनाऊँगा, मतलब आप में से ही किसी के लिए, एक के लिए बनाऊंगा। इसके लिए आपको जो भी करना होगा मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा आपको। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हो तो किस तरीके से आप मैंने बनाया ये, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड काफ़ी इजी है बनाना। तो और चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये बनाना बहुत मुश्किल होगा वैसे, लेकिन इस बार नहीं है, क्योंकि मैंने इसका जो इसकी फाइल है उसको सेव करके और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और मात्र ये 83 KB की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो आपके सामने ये फाइल है, इसको आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन में इसका मीडिया फायर का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसा कि हम हिटफ्लिम एक्सप्रेस ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद हमारी जो फाइल है उसको हम इम्पोर्ट कर लेते हैं या फिर ओपन कर लेते हैं, आप जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। और फ्रेंड्स, ये फाइल है जो वर्जन 8 की है, यानी हिटफ्लिम एक्सप्रेस 8 की है। अगर आपने हिटफिल्म एक्सप्रेस 8 से ऊपर का वर्जन डाउनलोड करके रखा है तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके ये फाइल आपके जो भी हिटफिल्म एक्सप्रेस का वर्जन है 8 से ऊपर, उसमें आराम से चलेगी, कोई भी कुछ भी नहीं होगा। एंड अगर आपने शेयन भी कर रखा है तो शेयन में भी चल जाएगी, क्योंकि टैक्स की फाइल है। एंड चलिए अब मैं इसको बता देता हूँ आपको एडिट किस तरीके से करनी है ये। और ये जो फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो हमारा जो इंट्रो था वो आपके सामने आ चुका है, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। लेकिन जो आपने अभी स्क्रीन में देखा था उसमें थोड़ा सा अलग था ये, तो हम वैसे ही डिज़ाइन करेंगे इसको और काफ़ी अच्छी तरीके से करने वाले हैं। और इसमें जो भी दिक्कत आई हो सारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए हम इसको एडिट करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो टैग्स मिलेंगे, 2 नंबर और 3 नंबर पर, टाइटल के 2 टैग्स हैं। तो हमने 2 नंबर का जो टाइटल है उसको सेलेक्ट कर लिया है, एंड सेलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पर एडिट करते हैं। लेकिन एडिट करने के बाद, जैसे कि हम एजी टेक्निकल है, तो अगर हम हेल्प को नीचे दे देते हैं, अगर हेल्प इनके नीचे आएगा तो अच्छा लगेगा। जैसे कि मैं एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पर कुछ हो जाता है एंड हेल्प नीचे नहीं आता, क्योंकि इसका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो कम है। तो यहाँ पर आपको कॉर्नर में एक दिख रहा होगा, इसको आपको थोड़ा सा बड़ा करना है। एंड इतना करने के बाद आप देख सकते हो हेल्प हमारा नीचे आ चुका है। एंड आने के बाद इसकी टेक्स्ट की 2 लेयर हैं, एंड दोनों लेयर को आपको एकदम एक्यूरेट सेट करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, अब 3 नंबर को आपको ऊपर ड्रॉ करना है एंड 2 से ऊपर कर देना है, और ऊपर करने के बाद 2 पर आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद वही करना है, एंटर प्रेस करना है, एंड एंटर दबाने के बाद आपका जो एजी टेक्निकल है वो नीचे आ जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको वही करना है, इस पर ऐसे क्लिक करना है कॉर्नर में, एंड इसकी समथिंग लेंथ है उसकी, दोनों की सेम होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ तो आप देख लीजिएगा, दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। एंड इसको मैं कर देता हूँ, तो आप देख रहे हो आपको दोनों की लेंथ जो है वो सेम रखनी है, एंड ये हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको करना है। एंड अगर इसके बाद भी आपको कुछ दिक्कत हो रही है इसमें करने के लिए, तो आपको यहाँ पर एरो माउस के कर्सर का निशान दिख रहा है, इससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसको एडिट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपका यहाँ पर ए का जो मतलब टैक्स का जो निशान है, इस पर आपको क्लिक करना है तो ये एडिट होगा, एंड उसके बाद इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। तो वैसे तो हमारा लोगो तैयार हो चुका है, लेकिन ये इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो उसके लिए हम माउस का कर्सर सेलेक्ट करेंगे एंड इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। आप देख लीजिएगा अपने अनुसार आप कितना ऊपर रखना चाहते हो इसको, तो मैं यहीं पर ठीक है ये। एंड इसके बाद हमने इसको कर लिया, लेकिन दूसरा जो टैक्स है, हम जैसे कि इसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हम इसको ऊपर कर देते हैं, हमने ये टैक्स सेलेक्ट किया। एंड सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे।
तो यहाँ पर मैं कर चुका हूँ फ्रेंड्स, और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे। एंड इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका जो लोगो है वो रेडी हो चुका है। आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो, एंड जो डिजाइनिंग है वो यही रहेगी। एंड आपके लिए जो ये फाइल है वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद आपको करना है एक्सपोर्ट, इसको एक्सपोर्ट आपको करना है। एंड यहाँ पर हमारा आ चुका है, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर स्टार्ट एक्सपोर्टिंग, एंड ये स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स जब तक ये स्टार्ट हो जाती है मैं बता देता हूँ मैं किसके लिए ये इंट्रो बनाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ एक कमेंट कर दीजिए अपने जिस भी मतलब जिसके नाम पर आप ये इंट्रो बनवाना चाहते हो वो नाम से आप एक कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड उसमें से मैं एक कमेंट को पिक करूँगा, एंड उसके लिए मैं ये लोगो बनाकर उसको प्रोवाइड करवा दूँगा, कहीं से जहाँ से भी आप उसको सुविधा लगे वहाँ से मैं उसको दे दूँगा। लेकिन अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स आते हैं, लाइक एम 100 का रहेगा, तो 100 लाइक्स आते हैं तो ही मैं ये मतलब कमेंट पिक करूँगा उसकी, वरना नहीं। तो आपके लिए 100 लाइक्स ज़्यादा नहीं है, प्लीज़ कर देना 100 लाइक्स। एंड 100 लाइक्स के बाद में आपका जो कमेंट है वो मैं एक पिक करूँगा और उसमें से मैं ये बनाकर आपको बता दूँगा। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए एक छोटी सी वीडियो, आगे और भी फिल्म एक्सप्रेस की वीडियो आएंगी आपके लिए, तो देखते रहिएगा। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कमेंट करना ताकि हम आपके लिए एक ऐसा इंट्रो बनाकर आपको दे सकें। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।